हेलो फ्रेंड्स, तो थंबनेल देख के आपको लग रहा होगा फ्रेंड्स आखिर मिठाई ये है क्या चीज की। तो आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक कप दूध और नारियल के बुरादे से एकदम स्वादिष्ट और टेस्टी मिठाई। तो चलिए समय को वेस्ट नहीं करते और फटाफट से बनाते हैं नारियल की बर्फी। तो फ्रेंड्स नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने एक कप दूध लिए फ्रेंड्स। तो चलिए दूध को अपने कढ़ाई में डाल देते हैं। तो ये दूध मेरा उबला हुआ है फ्रेंड्स और ठंडा दूध है, गर्म नहीं है। और ये देखिए मैंने गैस को भी जलाया नहीं फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं 50 ग्राम मिल्क पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको डालकर अच्छी तरह से हम दूध में मिक्स कर लेते हैं। गर्म दूध में डालने के बाद क्या होता है ना कि ये गांठ बन जाते हैं और अच्छे से घुल नहीं पाते, इसलिए हम इसको ठंडे दूध में पहले घोल लेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम गैस चलाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा ये अच्छी तरह से मिल चुका है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं चीनी फ्रेंड्स। तो जिस कटोरे से मैंने दूध डाले थे फ्रेंड्स उसी कटोरे से आधा कटोरा हम चीनी डालेंगे। तो चलिए चीनी को डाल दिए फ्रेंड्स। अब अपने गैस को हम जला लेते हैं और आंच एकदम धीमी रखेंगे फ्रेंड्स, तेज आंच नहीं रखना है, धीमी आंच में ही हमको सब बनाना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स चीनी को गलने तक हम पकाएंगे। तो ये देखिए मेरा चीनी गल चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं इलायची। तो मैंने दो इलायची लिए थे फ्रेंड्स, इसको अच्छी तरह से मैंने कूट लिए हैं, ज्यादा महीन नहीं किए फ्रेंड्स, मैंने पाउडर नहीं बनाया है, हल्का कूटा हुआ है। और इसको हम डाल देंगे, इससे क्या होता है ना कि नारियल की बर्फी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा चीनी गल चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं एक चम्मच घी। अगर आपके पास है तो आप डालिए फ्रेंड्स, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स एक चम्मच घी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा घी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है फ्रेंड्स। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं नारियल का बुरादा। तो चलिए फ्रेंड्स दो कटोरा नारियल का बुरादा हम इसमें डाल देते हैं। तो अगर नाप लीजिएगा तो फ्रेंड्स 100 ग्राम है नारियल का बुरादा और 50 ग्राम मिल्क पाउडर। तो चलिए फ्रेंड्स इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अच्छी तरह से पका लेते हैं, जब तक ये वेटर मेरा कढ़ाई छोड़ नहीं देता फ्रेंड्स, तब तक हमको पकाना है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये पक चुका है फ्रेंड्स। तो अब हम गैस पर से कढ़ाई को उतार लेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने एक थाली ली है और इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर ली है। तो चलिए अब इस बेटर को हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे और स्वादिष्ट लगते हैं नारियल के बर्फी, एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, बाजार की बर्फी से भी ज्यादा स्वादिष्ट घर की बर्फी लगती है। तो चलिए इसको फैला लेते हैं फ्रेंड्स और इसको हम चरखुट आकार दे देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, तो इसको हम हाथ से ही थोड़ा फैला लेते हैं और एकदम चरखुट टाइप का कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरा हो चुका है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट्स डालने वाले हैं। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने बादाम और पिस्ते लिए फ्रेंड्स। तो चलिए इसको हम ऊपर से थोड़ा गार्निश कर देते हैं। इस तरह से डालने के बाद हाथ से थोड़ा इसको दाब देंगे फ्रेंड्स, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स है हमारा वो अच्छी तरह से इसमें बैठ जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छी तरह से बैठ चुका है। अब इसको हम 1 से 1.5 घंटा सेट होने के लिए रख देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स 1 से 1.5 घंटा हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये देखिए 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, अब इसके हम पीसेस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बर्फी मेरे घर में सभी को बहुत पसंद आती है और मैं बाजार से बर्फी कभी नहीं खरीदती हूँ नारियल की फ्रेंड्स। नारियल का लड्डू बर्फी सब घर में ही बनाती हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं फ्रेंड्स। सूखे नारियल की बर्फी इतनी स्वादिष्ट आप सोच भी नहीं पाएंगे। एक बार घर पे जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स, तब आपको लगेगा कि सही में ये सूखे नारियल की बर्फी बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स हम आपको उठा के दिखा रहे हैं कि ये कितना अच्छा से सेट हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मेरी नारियल की बर्फी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक नहीं करना भूलिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।